सम्मान। मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहे मित्रों, शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दाव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बढ़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से
पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब आपके बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है, सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हट को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हट को मानकर उसके हट के दास हो जाते हैं। एक हठी उद्दंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डाले। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वो स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हट का विरोध करें, उसे रोके, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना, जिनका वो पालन ना करे। परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा।
यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधन। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धुनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धुनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती? ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करो, ताप दो, पिघल कर वो फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है।
यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिख लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान, सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हाँ भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं, रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य असत्य की बातें करता है। सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है? दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा? यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव, कोई ना कोई स्वयं में शुभ छिपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें, और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतः शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद दे, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदायी मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है, उसी प्रकार भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिलती है, वर्षा के पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा,
कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते हैं, जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सींचता है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं। और बिना परिश्रम के उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वो भूमि को बंजर बनाते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला। क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते, एक नहीं दो बार आते, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभा जन्म पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है। आश्चर्य की बात, दंत कठोर होते हैं, जीभा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ? तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है उसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी। और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकती है। यदि डाकू के हाथों में आ गई तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निर अपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वाले की भी अवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसके उत्तरदायी आप ही होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके तीन कारण हो सकते हैं।
पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसको वैसा ही सम्मान दे। यदि आपके पास कोई भाव से आए तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी भाव अभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधें तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है? इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते, चिंता करते हैं, भय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, परंतु उन्हें बांधे नहीं। जन्म के पश्चात बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा होता है कि यह संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है। ये उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता, हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जगते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ ले, तो सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ ले तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी आप, कितने काम कर पाएंगे, कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। पलों से मिलकर घड़ी बनती, घड़ी से मिलकर प्रहर, प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं, और दिनों से माह और वर्ष। यदि आप अपना हर पल, हर प्रहर विश्वास से, हर दिन उत्साह से जिए तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो, यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें, आप अपने मन से पूछें, अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न करें, और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी,